वेलकम बैक टू द पिक्सल मोन एपिसोड नंबर 11 एंड आई एम श्योर आपको आज मजा आने वाला है। ओके, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि हम नेदर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आज हम नेदर को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड मैंने इन सबकी ऑडियोज़ वगैरह फिक्स कर दिए हैं, ये जो भी बोलते थे वो सारे फिक्स कर दिए हैं। वो बेसिकली मैंने क्या किया, पिछले वाले जो वर्जन था इसका उसकी फाइल्स को कट करके जो है इस वाले फाइल्स में ऐड कर दिया, जिससे कुछ पोकेमोन जो नहीं ऐड किए गए हैं उनकी आवाज़ वापस से ठीक हो गई, बट कुछ की ठीक नहीं हुई है। जैसे कि वो कहाँ पर गया हमारा आई गेस कि कौन सा पकड़ा था मैंने नया पोकेमोन। यहाँ पे एक दो नए पोकेमोन हैं जिनके आवाज़ ठीक नहीं हुई है, तो या उसका मैं ठीक भी नहीं कर सकता हूँ, तो उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। एंड मुझे इंचांट करना है अपना सामान, मुझे अपना सामान थोड़ा सा इंचांट करना है, क्योंकि देख रहे हो भाई इसमें इतना डैमेज नहीं मिल पाएगा। नॉर्मल स्वॉर्ड है तो थोड़ा सा इंचांट वगैरह करना एक ज़रूरी चीज़ है। एंड एक्सपी लेवल भी है मेरे पास अच्छी खासी, तो या मैं से आराम से इंचांट वगैरह भी अब कर सकूँगा। एंड इसके अंदर आ रहा है लूटिंग 3, तो चलो एक बार ले लेते हैं। शायद लूटिंग 3 के साथ कुछ भी नहीं आया भाई साहब, ये क्या चीज़ था। तो बूट्स को भी एक बार देख ही लेते हैं क्या मिल रहा है बूट्स में भी एक बार। ओके, तो बूट में थॉर्न्स 3 आ रहा है जो मैं लेना तो नहीं चाहता, बट चलो ले लेते हैं। एंड यहाँ पे ओ भाई थंडरिंग हो रही है भाई साहब, थंडर हो रही है। ओ शिट 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 शिट, आई गेस इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, इसके अंदर कोई नया पोकेमोन स्पॉन नहीं होता है, तो या मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो चलो इसको ऐसे इग्नोर मारते हैं एंड नेदर वगैरह को चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं नेदर में जाने वाला हूँ अपने चारिज़ार्ड को लेके, बिकॉज चारिज़ार्ड फायर पोकेमोन है, नेदर भी ऑलमोस्ट फायर से ही भरा हुआ है, तो समझ रहे हो सिमिलर सिमिलर, तो इसलिए मैं अपने चारिज़ार्ड को लेके जाने वाला हूँ नेदर के अंदर। एंड आई गेस मैं किसको लेके जाऊँ किसको लेके जाऊँ, इनी मोनी मानी मो आके चला यार तू ही चला जा जा। ओके, तो चलो इसको ले जाते हैं एंड अपनी पोकी राइड वगैरह भी ले जाएंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। मुझे जाना क्यों है, मुझे बेसिकली थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट करना है अपने पोकेमोन के घरों के लिए, मेरे को थोड़ा सा इनको घर वगैरह बनाना शुरू करना है, तो उसके लिए थोड़ा सामान वगैरह चाहिए जो अभी से हम कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड आई गेस मैं नेक्स्ट एपिसोड में बना भी लूँगा इनका घर, तो लाइक हाँ चलेगा इतना। एंड ये सीक को इधर रख देते हैं एंड 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 और क्या लें और क्या लें और क्या लें और क्या लें और कुछ मिल लेते हैं, आप चलते हैं सीधा, चलो आ जाओ। ओके, तो मैं नेदर में आ चुका हूँ एंड पता नहीं मैं कहाँ पे ग्लिच हो गया हूँ एंड मेरा चारिज़ार्ड मर ना जाए बस। एंड चलो ठीक है, ये तो इधर है। एंड ये क्या हो गया भाई, यहाँ से पूरा चंक गायब। ओके नहीं, चंक गायब नहीं हुआ, बस ये लोड नहीं कर रहा। ठीक है कोई नहीं, इसको तो बाद में कर लेंगे लोड। एंड अभी जो हमको एक्सप्लोर करना है, एंड मेरे को ये थोड़े से वुड वगैरह कलेक्ट करनी है, वहाँ पे जो मशरूम लाइट्स हैं मशरूम लाइट्स बेसिकली उनको कलेक्ट करना है। एंड अगर मैं वो जो है नायलोम फॉरेस्ट में चला जाता हूँ तो मुझे वो वाली वुड भी कलेक्ट करनी है। एंड ये क्या हो रहा है, ये लोड क्यों नहीं कर रहा है इसके चंक्स। एंड मेरे को ढूंढना है कि भाई नेदर में पोकेमोन होते हैं कि नहीं होते, वो फायर वाले पोकेमोन होते हैं कुछ नेदर में, बट मेरे को देखना है कि सच्ची में ऐसा कुछ है भी है कि नहीं है कि ऐसे ही बस है। ओके, तो चलो यहाँ से थोड़ी सी वुड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हमको जो है दूसरे फॉरेस्ट में भी जाना है, अगर मिल जाता है तो अभी जा लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। तो ये ले लेते श्रूम लाइट है, मुझे पता नहीं है कि मैं इनका बेस कैसे बिल्ड करने वाला हूँ, तो या वो भी बाद में ही देखेंगे, या अगर आपको पास कोई आइडिया हो कमेंट में कर देना, बता देना मुझे कि आप अगर चाहोगे कैसे बना सकता हूँ मैं बेस, तो या मुझे बता देना कि एक्चुअल में कैसे बना सकते हैं इस बेस को, क्योंकि लाइक मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा रूम बना दूँ इनके लिए एंड बस इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि भाई इनके लिए इतनी जगह लाइक चाहिए नहीं होती, क्योंकि मैं इनको वापस से पोकीबॉल में डाल के अपनी जेब में डाल सकता हूँ, तो या मेरे को लगता नहीं है कि इनके लिए इतनी सारी जगह देना ज़रूरी भी है, बट तो भी यार थोड़ा सा रखते हैं। एंड यहाँ पर ये रहा हमारा नाइलोम का ये सैपलिंग वगैरह, तो इसको भी ले लेते हैं कि अगर हमें फॉरेस्ट नहीं मिला तो इसको उगा लेंगे एंड समझ रहे हो उस काम वगैरह कर लेंगे अपना। तो पहले ले लेते हैं यहाँ से जितने भी वुड ले सकते हैं हम।